शिक्षा हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और ज्ञान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। शिक्षा ही हमें दूसरों से अलग करती है। स्कूल अधिकांश लोगों के लिए पहली सीखने की जगह के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार यह शिक्षा प्राप्त करने की पहली चिंगारी होती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक अच्छे मार्गदर्शन यानी एक अच्छे स्कूल का होना भी उतना ही मायने रखता है। और बच्चों के लिए स्कूल का अनुभव तब और अधिक सार्थक हो जाता है जब वे उन गतिविधियों में डूब जाते हैं जिनका वे आनंद लेते हैं। बेहतर बुनियादी ढांचे, मजबूत मानव संसाधन और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बच्चों को एक सुरक्षित और पोषण वाले वातावरण में भावनात्मक और शारीरिक रूप से विकसित करने के लक्ष्य के साथ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल लगभग 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। 21वीं सदी में बच्चों को वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित की जा रही है। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के विशेष रुचि के क्षेत्र में उनकी काबिलियत की खोज कर उन्हें एक मंच प्रदान कर तराशा जा रहा है। रांची के नामकुम इलाके में पढ़ने वाले जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कुमार कहते हैं, हर बच्चे में एक कला छिपी होती है और हमारी कोशिश उन बच्चों में छिपी हुई काबिलियत को परख कर उन्हें उनके रुचि अनुसार प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जाती है जहां वे आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हर बच्चे में एक हिडन इनहेरेंट पोटेंशियल होता है। जिस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम और एक वर्क कल्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है, इसमें हम ये कंटिन्यूस कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों में वो छुपी हुई जो काबिलियत है उसे पता करें और फिर उस तरह का प्लेटफॉर्म उन्हें दें ताकि वो लाइफ में एक्सेल कर सके। वहीं इस स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक भी हैं जो छात्रों के बेहतर भविष्य को संवारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुविधाओं की अगर बात की जाए तो जीडी गोयनका यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ता। अन्य स्कूलों के विपरीत जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। दूसरे शब्दों में कही जाए तो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के हर पहलुओं के विकास पर जोर दी जाती है। जैसे पुस्तकों के विशाल संग्रह के साथ पुस्तकालय से लेकर प्रतिभाशाली छात्रों में कला को परखते हुए संगीत और डांस क्लास की सुविधा दी जाती है। यहाँ खेल के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे इंडोर और आउटडोर सुविधाएं भी दी जाती है। शारीरिक रूप से छात्र कैसे तंदुरुस्त रहें इस बात का भी खासा ख्याल रखा जाता है। इसके लिए फिटनेस स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए परिसर में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस जिम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ज्यादातर स्कूलों में जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाने का मतलब होता है एकेडमिक टेक्सुअल नॉलेज, बुकिश नॉलेज एंड ऑल। वो सिर्फ मेरा और जीडी गोयनका का मानना है कि दैट इज पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट इन एजुकेशन इन ट्रू सेंस इज व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी टू फेस देयर फ्यूचर चैलेंजेस। नॉट ओनली दे शुड बी गुड इन एकेडमिक्स, बट दे शुड बी गुड स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, मोरली एज वेल। जीडी गोयनका का लक्ष्य हर पहलुओं को मजबूत बनाना है, इसीलिए यहाँ शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी बच्चों को सींचा जाता है। नुक्कड़ नाटक जैसे गतिविधियों की मदद से छात्रों को जागरूक कर जीवन की हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का गुण भी सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों को उनके रुचि के अनुसार कुकिंग भी सिखाई जाती है। संस्थान के बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य का भी खासा ध्यान रखा गया है। स्कूल परिसर में ही छात्रों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा विंग भी है। यहाँ प्रशिक्षित गृह अभिभावक भी हैं जो मेडिकल आपातकाल के मामले में छात्रों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए समय की परवाह किए बगैर किसी भी परिस्थितियों में डटे रहते हैं। thefollowup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in